92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम हम आपके लिए बहुत खास बना के लाए हैं और मैं जो आपको हमेशा ये कार्यक्रम सुनाता हूँ अनूप जलोटा, आपके सामने कुछ सुंदर दोहे प्रस्तुत करूंगा। एक दोहा ये सुनिए कबीर दास जी का, कितनी अच्छी बात इन्होंने की है। तिनका कब हुनानी दिए जो पावन तर होए, कब हु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए, कब हुड़ी आखन परे पीर घनेरी हो। जो चलते समय पांव के नीचे अपने तलिये के नीचे होता है वो छोटा सा तिनका, उसको समझ के उसकी निंदा न कीजिए, उसको तुच्छ ना जानिए, उसका तिरस्कार मत करिए, क्योंकि छोटा वो नहीं है। जब कभी वो आंख में पड़ गया तो कितनी पीड़ा होती है। छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो लगता है कि ये जीवन क्या हो गया है, बहुत दर्द है, ये है वो है। तो कभी भी छोटे का तिरस्कार न करिए, छोटे की निंदा न करिए, छोटे को प्रेम करिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, सुनते रहिए। आज मैं आपको लेके चलूंगा कालीको टेंपल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और कालीको टेंपल के बारे में आपको बताऊंगा। ये माँ काली का मंदिर है और एक ऐसे इलाके में है जहाँ नदियाँ, जंगल, वुडलैंड है, तो वहाँ जाने में थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि वहाँ शोर शराबा कोई है नहीं दूर दूर तक, तो थोड़ा वहाँ डर भी लगता है। देवताओं को राक्षस बहुत तंग किया करते थे और उन्होंने प्रार्थना की पार्वती देवी से कि हमारी रक्षा कीजिए, और जो राक्षसों की बातें उन्होंने बताई तो पार्वती जी इतनी नाराज हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि उनका चेहरा काला हो। इसीलिए इस मंदिर का नाम है कालीको मंदिर, क्योंकि काली माँ का काला चेहरा यहाँ पर है, ये मूर्ति जो है काली है। और ये को का क्या मतलब है, काली को का मतलब है गुफा, यानी उस गुफा में काली मंदिर है और यहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। और उसी मंदिर के ठीक पीछे एक भैरव जी का भी मंदिर है। ये जो मंदिर है ये जो तांत्रिक लोग हैं उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत से तांत्रिक वहाँ पहुँचते हैं और उनकी जो भक्ति है, उनकी शक्ति है, उसको और पावर मिलती है जब वो कालीको मंदिर मिर्जापुर जाकर वहाँ दर्शन करते हैं और साथ ही साथ भैरव जी के मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो आपको कभी अवसर मिले तो मिर्जापुर जरूर जाएं और कालीको मंदिर और भैरव जी के मंदिर के दर्शन करें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन जो हमारे मित्र नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ है और बहुत सुंदर इसमें भक्ति है। देखिए, प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजन में भाव हो, भक्ति प्रवाह हो, भजन में भाव हो, भक्ति प्रवाह हो, आराधन का गांव हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक आपने सेल फोन उठा लिया और भगवान को कहा जरा एक्सक्यूज मी ये फोन करके आता हूँ, नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। ईश्वर इतना समय आपसे मांग ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हमको 5 सेकंड दे दो, 10 सेकंड दे दो, लेकिन टोटल दे दो, टोटल मेरे साथ रहो, फिर देखो जब तुम मेरे साथ होगे तो मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। कितना सरल है, आप प्यार तो करिए, सामने वाला तो आपको प्यार करेगा ही। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और आज इस सहर कार्यक्रम में आपको एक बहुत अच्छी प्रतिभा से मिलाएंगे। आज स्टूडियो में है सुचेता भट्टाचार्य जी, तो सुचेता जी आपको कुछ भजन भी सुनाएंगी और बताएंगी कि उनके जीवन में ये संगीत
कैसे आया। और आज एक बहुत अच्छी गायिका को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने संगीत हमारे देश के बहुत ही प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मणि प्रसाद जी से सीखा है। मणि प्रसाद जी वैसे तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सारे संसार में उनका संगीत सुना जाता है। सुचेता भट्टाचार्य जी, आप पंडित मणि प्रसाद जी की शिष्या हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ भी इन्होंने बहुत कार्यक्रम किए हैं देश विदेश में, और आज हमारे शहर कार्यक्रम में आप आ रही हैं। सुचेता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बिग एफएम के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार है। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप तो सुनती होंगी हमारा शहर कार्यक्रम। हाँ, और आज हम चाहेंगे कि हाँ, और भी चीजें आप बताएं कि आपके परिवार में संगीत कहाँ से आया, आपको शौक कैसे पैदा हुआ। मेरे फैमिली में मेरी मम्मा जो है, मेरी मम्मी गाती है, अपर्णा भट्टाचार्य जी, जैसे हर एक बंगाली फैमिली में म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसी तरह से म्यूजिक शुरुआत हुई। उसके बाद मैं पंडित मणि प्रसाद जी से गंडाबंद शागिर्द उनकी बनी। अच्छा। और उसके बाद ही एक रियल सेंस में म्यूजिक का जो मजा लेना होता है, म्यूजिक जो सीखना होता है, वो मैं कर पाई थोड़ा बहुत, जितना भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। तो आज हमको कौन सा भजन आप सुनाने वाली है? मैं आपके साथ ही जो सखी बाजे पग पैजनी मैंने गाया था, वो थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ। चतुरंग, बहुत अच्छा। सखी बाजे पग पैजनी पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, झनन झनन नन नन बाजे मोहन पग पैजनी, आली बन माली छवि निराली, सोहे मन मोहे जिया जो है, भवे कमान ही अतान तान, मारे जुबान है गई जान, मुरली के तान कर मधुर गान, संग बाज पखावज झनन नन छनन नन 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 बाजे मोहन पग पैजनी, पग पैजनी, पग पैजनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस चतुरंग को हमारे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, और आज बहुत ही खुशी है कि आपने इतने सुंदर ढंग से इसको गाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शहर प्रोग्राम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, और आपने भी सुना सुचेता भट्टाचार्य जी को। और अब हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम, मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7